Over the years, we've seen numerous versions of Lord Ganesha on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi. But have you seen one on bird feathers? Meet feather artist Nilesh Chauhan, who makes art out of fallen bird feathers. मेरा नाम नीलेश चौहान, मैं एक फेदर आर्टिस्ट हूँ और एज अ आर्ट डायरेक्टर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। फेदर आर्ट ये मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है और ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे एडवर्टाइजिंग फील्ड से ही मिला है, क्योंकि वहाँ पे हम पैक शॉट्स, ब्रोशर्स, कैटलॉग और क्रेडिट कार्ड ये सब पेपर्स हम डमी बनाते हैं और क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। तो कटिंग की हॉबी मुझे वहीं से स्टार्ट हुआ है। स्कारलेट मकाव फेदर उनपे गणेश जी का पोर्ट्रेट रेडी किया है। ये पोर्ट्रेट मैंने मोर पंख में बनाया हुआ है। Nilesh uses feathers of exotic birds that he sources from various places. Feather art के लिए मैं मकाओ, टर्की, सिल्वर प्रेजेंट, एक्जॉटिक बर्ड्स मोस्टली उनके झड़े हुए पर मैं ही वही यूज करता हूँ और ये सब पर मुझे पैट शॉप, डॉक्टर, देन पैट लवर्स और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड जाते हैं तो वो मेरे लिए शॉप से या फिर ऑनलाइन खरीद के लेके आते हैं और वही फेदर्स में इसमें इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा फेदर कटिंग वर्क रेडी हो चुका है। इसके बाद इसको बॉक्स फ्रेम में डाला जाता है और इसे शैडो बॉक्स भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि जब भी हम इसको थोड़ा सा मूव आए, आप कहीं से भी देखोगे तो इसकी शैडो पीछे की मूव होती है। तो ये सनसेट और सनरेज जब भी होगा वैसे ही इसका शैडो पीछे का मूव होगा। तो इट्स लाइक गिविंग अ 3D डेप्थ। With nature being his inspiration, Nilesh has created numerous artworks over the years. Nature हमेशा हमें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता है। यही सोचकर मैंने अपने आर्टवर्क में नेचर को प्रेजेंट करने की कोशिश की है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.